अमेज़न पर प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया, बढ़िया वाले कीवर्ड्स भी डाल दिए और अब तो सेल्स पक्का है ना। लेकिन सेल्स तो दूर की बात, लिस्टिंग पर भी नहीं आ रहे, तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है आपने जो कीवर्ड्स यूज करे हैं लिस्टिंग में, क्या वो अमेज़न ने इंडेक्स किए हैं? नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अमेज़न कीवर्ड इंडेक्सिंग क्या होती है, कैसे आप चेक कर सकते हैं कि जो कीवर्ड्स आपने यूज किए हैं वो इंडेक्स हुए हैं या नहीं, आपके कॉम्पिटिटर्स के कौन से कीवर्ड्स इंडेक्स हैं, एंड फाइनली जो कीवर्ड इंडेक्स्ड हैं उस पर आपकी और आपके कॉम्पिटिटर्स की पोजीशन क्या है। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, else फ्यूचर में आने वाले अमेजिंग वीडियोस आप मिस कर देंगे। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं अमेजिंग मार्केटर, लेट्स लर्न समथिंग न्यू टुडे। सबसे पहले समझते हैं Amazon कीवर्ड इंडेक्सिंग क्या होती है। जब भी आप Amazon पर कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो Amazon एल्गोरिथम उस प्रोडक्ट लिस्टिंग को मॉनिटर करता है और उस प्रोडक्ट को समझने की कोशिश करता है बेस्ड ऑन कीवर्ड्स जो आपने लिस्टिंग में डाले हैं और साथ में वो कीवर्ड्स जो कस्टमर सर्च कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, सो दैट Amazon रेलिवेंट प्रोडक्ट कस्टमर को दिखा सके। तो जिन कीवर्ड्स पर Amazon आपका प्रोडक्ट शो करने लगता है वो कीवर्ड्स आपके प्रोडक्ट के लिए इंडेक्स हो चुके हैं। मेजॉरिटी सेलर्स को लगता है कि जो कीवर्ड्स मैंने अपनी लिस्टिंग में यूज किए हैं Amazon उन पर ही प्रोडक्ट शो करेगा, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है जो कीवर्ड्स आपने लिस्टिंग में डाले हैं उन पर Amazon आपका प्रोडक्ट दिखाए ही नहीं, और ये भी हो सकता है कि वो आपका प्रोडक्ट दूसरे कीवर्ड्स पर दिखाए या फिर बिल्कुल भी ना दिखाए। तो कीवर्ड इंडेक्सिंग चेक करना आपकी लिस्टिंग की विजिबिलिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे आप अपने प्रोडक्ट लिस्टिंग्स एंड अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट लिस्टिंग्स के लिए जो कीवर्ड इंडेक्स्ड हैं उनको कैसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए हम एक टूल का यूज करेंगे जिसका नाम है सेलर स्प्राइट कीवर्ड इंडेक्स चेकर, एंड बेस्ट पार्ट इज ये कीवर्ड इंडेक्स चेकर टूल बिल्कुल फ्री है। तो सबसे पहले आपको सेलर स्प्राइट का क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना है अपने क्रोम वेब ब्राउजर में, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से आके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं इसलिए हमें रिमूव फ्रॉम क्रोम का ऑप्शन आ रहा है, और जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो यहाँ पे एड टू क्रोम का ऑप्शन आ रहा हो, ठीक है। तो ये एब्सोल्युटली फ्री है जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आपको, आप जाके इस क्रोम एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद अब हमें अगर किसी भी लिस्टिंग के कीवर्ड्स कौन कौन से इंडेक्स हुए हैं ये चेक करना है, तो लेट सपोज मैं आपको यहाँ पे दो तरीके से एग्जांपल दिखाऊंगा। पहला मैं एक सिंगल लिस्टिंग का दिखाऊंगा सो दैट हमें ये पता चल सके अगर हमारा प्रोडक्ट है तो कौन कौन से कीवर्ड्स इंडेक्स हैं उसके लिए, और फिर मैं आपको मल्टीपल एसिन के करके दिखाऊंगा सो दैट आपको ये पता चले कि अगर मान लीजिए मेरे को अपने लिस्टिंग्स के अलावा अपने एसिंस के अलावा अगर कॉम्पिटिटर के एसिंस भी चेक करने हैं तो वो हम कैसे फिगर आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम amazon.in पे आ जाएंगे या जो भी मार्केट प्लेस में आप सेल कर रहे हैं Amazon की उस पर आप जा सकते हैं। उसके बाद आपको कोई भी प्रोडक्ट सर्च करना है तो मैं लेमन स्क्वीजर्स सर्च करता हूं, तो इसमें आप देखेंगे काफी सारे प्रोडक्ट्स आ चुके हैं और इसमें जो पहला प्रोडक्ट है विच इज मोबीलॉक लेमन लाइम ऑरेंज जूस स्क्वीजर एंड सो ऑन, काफी सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो इसको हम मान के चलते हैं कि आज जो हमारा प्रोडक्ट है वो ये प्रोडक्ट है, तो इसको हम ओपन कर लेंगे नए टैब में एंड आप देखेंगे कि ये प्रोडक्ट ओपन हो चुका है। और ऑब्वियसली जब मैंने सेलर स्प्राइट का क्रोम एक्सटेंशन जो टूल है वो इंस्टॉल किया है उसकी वजह से मुझे बहुत सारी चीजें ऑलरेडी यहाँ पे डिटेल में पता चल रही हैं, तो ये सब चीजें मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा। हालांकि मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक बहुत डिटेल वीडियो बना चुका हूं जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको जरूर देखें क्योंकि बहुत ही अमेजिंग टूल है ये, ठीक है। तो आज हम कीवर्ड इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं तो वी विल स्टिक टू दैट ओनली। तो आप देखोगे यहाँ पे जो हमारा ये प्रोडक्ट है इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स यूज हुए हैं जैसे लाइम ऑरेंज जूस स्क्वीजर मैनुअल सिट्रस फूड एलुमिनाई एलॉय मैक्सिमम एल्बो इजी टू यूज विद बोनस रेसिपी गाइड। तो मान के चलते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो लेमन ऑरेंज या लाइम इन सब फ्रूट्स का जूस निकालता है, तो कुछ कीवर्ड्स कैसे होंगे जैसे लेमन स्क्वीजर होगा ऑरेंज स्क्वीजर होगा, तो इस टाइप के जो कीवर्ड्स होंगे और अगर हमने वो लिस्टिंग में यूज किए हैं तो क्या Amazon ने उनको इंडेक्स किया है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं टाइटल से ही अगर एग्जांपल लेता हूं तो आप यहाँ पे देखोगे कि लाइम ऑरेंज जूस स्क्वीजर ये ऑलरेडी एक कीवर्ड है, ठीक है। तो क्या Amazon ने इस कीवर्ड को यहाँ पे कंसीडर किया है इंडेक्स किया है, तो इसको हम चेक करते हैं। तो आप क्या करेंगे जब आप नीचे आएंगे तो आप देखोगे राइट साइड में ना सेलर स्प्राइट का ऐसे एक आइकन आ जाएगा, तो इस पे जब हम होवर करेंगे तो आप देखोगे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है विच इज इंडेक्स चेकर, आप इस पे क्लिक करेंगे और आपके सामने कुछ इस टाइप का नया पॉपअप खुल जाएगा, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे जो हमारा एसिन है जो मोबीलॉक वाला लेमन स्क्वीजर जो प्रेस है जो प्रोडक्ट है उसका एसिन ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। अब आप यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे बॉक्स है उसमें हम अपने कीवर्ड्स डालेंगे, तो मैंने टाइटल से ये कीवर्ड सेलेक्ट किया था लेमन लाइम ऑरेंज जूस स्क्वीजर, ठीक है। हो सकता है इन्होंने आगे लेमन स्क्वीजर भी यूज किया हो ऑरेंज स्क्वीजर भी यूज किया हो
नींबू प्रेस हो सकता है लोगों ने डाला हो, लेमन एक्सट्रैक्टर हो सकता है डाला हो, ठीक है। तो इसको सर्च करते हैं तो देखते हैं कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है जिसको हम आज अपना प्रोडक्ट कंसीडर कर रहे हैं, क्या हमारे प्रोडक्ट के लिए अमेज़ॉन ने ये कीवर्ड्स इंडेक्स किए हैं, और अगर किए हैं तो उनकी रैंक्स क्या हैं, ठीक है। एंड जब आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में एसिन डाल लेंगे, राइट साइड में कीवर्ड्स डाल लेंगे, उसके बाद आप नॉर्मली सर्च पे क्लिक कर देंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप देखेंगे जितने भी आपने कीवर्ड्स डाले थे वो लेफ्ट हैंड साइड में आ चुके हैं और उनका डेटा भी पॉपुलेट हो चुका है, ठीक है। तो ये जो पहला कीवर्ड था जो एग्जैक्टली मैंने टाइटल से उठाया था, तो आप देखोगे कि उसके चाइल्ड एसेंस वगैरह सब कुछ यहाँ पे बता देता है वो। अगर आप चाहें तो अगर मल्टीपल वेरिएशन है आपके प्रोडक्ट के तो आप इस सर्च वेरिएशन के आगे जो चेकबॉक्स है उस पर क्लिक करके वो वेरिएशन भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा पहला कीवर्ड था टाइटल में लेमन लाइम ऑरेंज जूस स्क्वीजर, उसकी वजह से जो हमारी ऑर्गेनिक लोकेशन है वो है पेज वन पे फिफ्थ पोजीशन, और जो नीचे आ रही है विच इज स्पॉन्सर्ड लोकेशन वो है पेज वन पे फर्स्ट पोजीशन। ओके, एग्जैक्ट लोकेशंस आपको यहाँ पे दिख गई है 5 और 1। ऑब्वियसली जहाँ पे पेज वन पे फिफ्थ पोजीशन है तो 5 आ गया, पेज वन पे फर्स्ट पोजीशन है तो 1 आ गया, ठीक है। रिजल्ट कितने आ रहे हैं इस कीवर्ड के लिए, जो टोटल रिजल्ट है वो है ऑलमोस्ट 1700, ठीक है। अमेजोन ब्रांड एनालिटिक रैंक्स यहाँ पे नहीं है, सर्चेज मंथली सर्चेज नहीं पता चल रहे हैं, परचेज रेट नहीं पता चल रहे हैं। वहीं पे जो मेरे को लगा कि ये कीवर्ड्स इस लिस्टिंग में होने चाहिए या होंगे वो मैंने अपने हिसाब से जो डाले, जैसे मैंने लेमन स्क्वीजर डाला, तो वहां पे आप देखोगे जो पेज वन पे ये 13 पोजीशन पे आ रहा है ये प्रोडक्ट, और ऑर्गेनिकली और स्पॉन्सर्ड के केस में पेज वन पे फिफ्थ पोजीशन पे है। सिमिलरली रैंक 13 एंड 5। रिजल्ट्स कितने अपियर हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 5000। अमेजोन ब्रांड एनालिटिक रैंक है 30,000 प्लस। सर्चेस कितने हो रहे हैं मंथली, विच इज 1300 प्लस, एंड परचेज रेट है 2.82%। इसके अलावा आप देखोगे ऑरेंज स्क्वीजर जो मैंने डाला था उस पर रैंक्स कितने आ रहे हैं इस तरीके से। नींबू प्रेस जो मुझे लगता था एक अच्छा कीवर्ड होगा, एंड ऑब्वियसली उस पर भी ये प्रोडक्ट रैंक हो रहा है, ये कीवर्ड इंडेक्स है इस एसिन के लिए, तो उसमें आप देखोगे कि ऑर्गेनिकली पेज वन पे 18th है रैंक और पेज वन पे 6th है स्पॉन्सर्ड रैंक। इसी तरीके से आप नीचे आएंगे लेमन एक्सट्रैक्टर पे, आप देखोगे कि अब जैसे यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छी चीज पता चल रही है कि लेमन एक्सट्रैक्टर एक कीवर्ड हो सकता है, लेकिन ये एसिन नो रैंक इन द फर्स्ट 7, पहले 7 में ये कहीं पे भी रैंक नहीं हो रहा है। सिमिलरली फॉर द स्पॉन्सर्ड रैंक। तो इस तरीके से आपको ये पता चल जाता है कि जो कीवर्ड्स आपने यूज किए क्या वो अमेज़न ने इंडेक्स किया है, क्या अमेज़न ने उनको कंसीडर किया है, अगर किया है तो उनकी पोजीशन क्या है, उनकी रेस्पेक्टिव पोजीशन क्या है। वहीं पे आप देखोगे कि बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे भी होंगे जो शायद इस लिस्टिंग में ना हो, जो मैंने खुद डालने की कोशिश की, जैसे नींबू प्रेस। मुझे नहीं लगता कि इस लिस्टिंग में कहीं पे भी नींबू प्रेस है क्योंकि मेरे को नहीं मिला था, बट वो स्टिल 18th पोजीशन पे रैंक हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे मैंने बोला कि अमेज़न वो सब चीजें कंसीडर करेगा जो कीवर्ड्स डाले हैं, और जो नहीं डाले हैं जो कस्टमर सर्च कर रहा है बट स्टिल योर प्रोडक्ट इज रेलिवेंट टू दैट कीवर्ड, तो अमेज़न उसको भी कंसीडर करेगा। तो जैसे ये प्रोडक्ट है हमारा लेमन जूस एक्सट्रैक्टर बाय मोबीलॉक, ऐसे ही मैंने और भी 3-4 एसिंस सेलेक्ट किए हैं, जैसे जुरानी स्टेनलेस स्टील लेमन स्क्वीजर, धर्म पॉल ट्रेडर्स लेमन स्क्वीजर स्टील पॉलिश, एलविन रिंग्स स्टेनलेस स्टील स्क्वीजर विद कंफर्टेबल हैंडल, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे ये यह कि हमने अपने प्रोडक्ट के हिसाब से तो देख लिया हमारा क्या रैंक, लेकिन अगर हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स को एक साथ एनालाइज करना हो, अपने कॉम्पिटिटर्स को भी एनालाइज करना हो, या हमारे पास बहुत सारे कीवर्ड्स हों, तो हमें कैसे पता करना है कि हम किस किस कीवर्ड पे इंडेक्स्ड हैं और हमारे कॉम्पिटिटर किस किस कीवर्ड पे इंडेक्स हैं, और उन सब कीवर्ड्स के लिए हमारी और हमारे कॉम्पिटिटर की पोजीशंस क्या हैं, ठीक है। प्रोसेस बहुत सिंपल है, मैंने एक छोटा सा अपने इजीनेस के लिए एसिंस यहाँ पे लिख लिए हैं एक साथ, कुछ 4 एसिंस हैं, और मैंने कुछ लगभग 9-10 कीवर्ड्स ले लिए हैं जो मुझे लगता है कि लेमन जूस एक्सट्रैक्टर जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड होने चाहिए। तो जैसे लेमन स्क्वीजर हो गया, लेमन जूसर हो गया, नींबू प्रेसर हो गया, लेमन जूस एक्सट्रैक्टर हो गया, एंड सो ऑन। मैंने ऑरेंज भी ले लिया है, काफी लोग ऑरेंज वगैरह भी यूज करते हैं इन मशीन्स में, तो इस तरीके से, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, उसके लिए हम सेलर स्प्राइट के सिमिलर एक्सटेंशन पे जाएंगे और इंडेक्स चेकर पे क्लिक करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट आप देखोगे जिस प्रोडक्ट पेज पे आप हैं उसका एसिन ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाता है। मैं अभी इस एसिन को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे लगभग 200 एसिंस आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो 200 एसिंस एक साथ आप कंपेयर कर सकते हैं, बट रिमेंबर वो एसिंस 1x1 होने चाहिए, आगे नहीं होने चाहिए, तो एक के नीचे एक होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे अपने वो 4 एसिंस डाल दिए। सिमिलरली आप राइट साइड में जैसे मैंने बताया आपको यहाँ पे कीवर्ड्स डालने होंगे, तो उस केस में हम यहाँ पे जितने भी हमने कीवर्ड्स जो हमें लगते हैं या हमें जो चेक करने हैं क्या इंडेक्स हुए हैं या उनकी पोजीशन क्या है, वो हमने राइट साइड में डाल दिए, ठीक है। इसके बाद आप सर्च पे क्लिक करेंगे एंड इसके बाद आपके सारे कीवर्ड्स लेफ्ट में आ चुके हैं, और उसके साथ ही अब आप देखेंगे 4 एसिंस जो हैं वो आपके यहाँ पे आ चुके हैं। दिस इज योर एसिंस, फर्स्ट एसिन,
सेकेंड एसिन, थर्ड एसिन एंड फोर्थ एसिन, उस तरीके से आ चुका है। अब हम डेटा देखते हैं। तो फर्स्ट एसिन का जो डेटा है वो हम सबसे पहले देखेंगे। तो आप देखोगे लेमन स्क्वीजर वगैरह का ये सारा डेटा अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था जब हम अपना प्रोडक्ट समझ के इसको एनालाइज कर रहे थे। अब मुझे सेकेंड एसिन का उसी पे देखना है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कि सेकेंड एसिन के लिए जो लेमन स्क्वीजर कीवर्ड है वो इंडेक्स्ड है, उसकी वजह से जो ऑर्गेनिक लोकेशन है वो पेज 1 पर 19 है, स्पॉन्सर्ड लोकेशन पेज 1 पर 10 है। एंड इसी तरीके से आप बाकी कीवर्ड्स के लिए भी नीचे देख सकते हैं। तो जैसे आप देखोगे नींबू प्रेसर के लिए ये रैंक नहीं हो रहा है, लाइम ऑरेंज जूस स्क्वीजर के लिए रैंक नहीं हो रहा है, लेमन क्रशर के लिए ये पेज 1 पे 33 पे है, पेज स्पॉन्सर्ड रैंक इसकी पेज 1 पे 19 है। यहाँ पे ब्रांड एनालिटिक रैंक भी देख सकते हैं हम ऑरेंज जूस स्क्वीजर के लिए, विच इज 2,80,000 ऑलमोस्ट। तो इस तरीके से आप सभी अपने कीवर्ड्स को देख सकते हैं कि वो रैंक हुए हैं कि नहीं। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट प्रोडक्ट, तो आप देख सकते हो कि जो आपका कॉम्पिटिटर है वो कहाँ कहाँ पे रैंक हो रहा है उसी कीवर्ड के लिए। और अगर आप फिगर आउट कर पाते हैं कि आपका प्रोडक्ट बिल्कुल सिमिलर है और कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसके लिए आपका कॉम्पिटिटर रैंक हो रहा है लेकिन आप नहीं हो रहे, तो आप उन कीवर्ड्स को अपनी लिस्टिंग्स में डाल सकते हैं फॉर एसईओ पर्पस। और लिस्टिंग्स के अलावा आप उस पे पीपीसी कैंपेन्स रन कर सकते हैं सो दैट अमेज़न को वो कीवर्ड समझ आए और वो ये समझ पाए कि इस कीवर्ड के लिए आपका प्रोडक्ट रेलिवेंट है और नेक्स्ट टाइम जब कस्टमर सर्च करे तो आपका प्रोडक्ट भी उस सर्च रिजल्ट्स में अपीयर हो पाए। तो इस तरह आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए इंडेक्स कीवर्ड्स चेक कर सकते हैं। सेलर स्प्राइट टूल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑल्सो ये टूल आपको बहुत सारे फीचर्स देता है, कुछ फ्री है और कुछ पेड है। लेकिन अगर आप पेड टूल लेने का सोच रहे हैं तो 35% डिस्काउंट जरूर अवेल करें बाय यूजिंग कोड EMMA30। अकाउंट बनाते वक्त EMMA30 कोड यूज करना ना भूलें। और अगर कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या 1-on-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। फाइनली कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग।